हेलो फ्रेंड्स, रूबस किचन में आपका स्वागत है। तो आज गणेश चतुर्थी है, तो गणेश चतुर्थी पर हम मोदक बनाते हैं और गणेश जी की पूजा करते हैं। साथ ही साथ घर में भी हर्ष उल्लास का मौसम दिन होता है, गाना बजाना बहुत कुछ होता है और काफ़ी सारे पकवान बनाए जाते हैं, मिठाइयाँ भी, नमकीन और नाश्ता, मेहमानों के लिए भी काफ़ी अच्छी अच्छी डिशेज़ बनाई जाती हैं। तो देर नहीं करूँगी, तो आज मैं यहाँ पे कोकोनट मोदक बना रही हूँ। सिंपल रेसिपी है और मैं ये हरे नारियल यानी कि कच्चे नारियल के साथ बना रही हूँ। तो मैंने इसे थोड़ा सा पील कर लिया है, छील लिया था, और छीला इसलिए क्योंकि इसमें जो छिकल होता है तो वो थोड़ा सा उसके कारण उसके कलर में भी और कभी कभी थोड़ा सा टेस्ट भी में भी डिफरेंस हो जाता है। तो उसके कारण मैंने आज यहाँ पे कच्चे हरे नारियल से आपके साथ ये मोदक शेयर करी हूँ। और आज राधाष्टमी भी है, तो काफ़ी बड़ा दिन है, बुधवार है, तो गणेश जी का दिन होता है। तो आज मैंने सोचा कि चलिए आपके साथ ही मोदक की रेसिपी और शेयर करती हूँ। तो देर नहीं करूँगी, जल्दी से बताती हूँ आपको किस तरह से हमें क्या क्या करना है इसमें। तो मैंने यहाँ पर एक जार लिया है, जार में हम क्या करेंगे, नाइफ लेंगे, नाइफ से हम इसमें जो हरा नारियल है उसको क्रश करेंगे इस तरह से। पीस इसका एक पीस हमें तैयार करना है। इसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की कोई ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर इसका पेस्ट बनाने के लिए हमें इसमें थोड़ी दूध की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैंने नारियल का बुरादा बनाकर तैयार कर लिया है और यहाँ पर मैंने गुलाब के पत्ते लिए हैं। अब आगे हमें क्या करना है तो वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कढ़ाई लेनी है। कढ़ाई लेने के बाद हम इसमें डालेंगे दूध। तो लगभग मैंने इतना दूध लिया है, ये मैंने आधा कटोरी दूध लिया है, सिर्फ आधा कटोरी दूध ही हमें इसमें चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और आधा कटोरी दूध डालने के बाद अच्छे से बॉईल जब आ जाएगा तो हम इसमें ये कोकोनट बुरादा डाल देंगे। तो हम यहाँ पे पहले कोकोनट बुरादा नहीं डालेंगे, पहले हम डालेंगे मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर का हमें थोड़ा सा मावा बनाना है। तो इसमें लगभग जाएगा डेढ़ कटोरी के करीब मिल्क पाउडर। तो मैंने अभी एक कटोरी डाल दिया है, आधा कटोरी मैं और डालूंगी। तो इसका हमें एक मावा बना के तैयार करना है। अच्छे से इसको ठीक करना होगा और यहाँ पे डालेंगे हम कंडेंस मिल्क लगभग दो बड़ी चम्मच। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम को हमें ऑफ नहीं करना है, इसी में हम नारियल का बुरादा डालेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा मावा सा बनके तैयार हो चुका है। अब इसी स्टेज में हम नारियल का जो हमारे पास बुरादा है, क्रस है, जो हमने कच्चे नारियल से बनाया है यानी कि हरे नारियल से, वैसे तो इसे कच्चा नारियल ही आप क्या क्या बोलते हैं और तो मुझे भी बताइएगा। तो अब हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। यहाँ मैं बताना चाहूँगी, मैंने नारियल को लगभग एक दिन बिना पानी के ही रखा था, उसको छील कर, यानी कि छीला तो मैंने आज ही था उसको, लेकिन नारियल में जो थोड़ा सा वाटर यानी कि पानी होता है, मतलब खोलने के बाद तो उसमें एक कटोरी या जो भी पानी निकलता है, उसके बाद भी मैंने एक दिन उसको ड्राई करने के लिए, हल्का सा ड्राई करने के लिए रखा ताकि वो अपना एक्स्ट्रा पानी इसमें ना छोड़े। तो देखिए बिल्कुल भी इसने पानी नहीं छोड़ा। और ये रेसिपी इतनी अच्छी लगती है, सूखे नारियल को जब मार्केट से बुरादा वगैरह लेकर आते हैं तो वो कभी कभी ज़्यादा ऑयल छोड़ देती है, ये अपना ज़्यादा निकाल देती है, तो उसके कारण थोड़े से हमें टेस्ट में भी, लेकिन जिसको जैसे तरीके से पसंद हो तो उसी तरीके से बना सकता है। तो देखिए जरा सा भी इसने पानी नहीं छोड़ा है और मेरा नारियल के जो बुरादा है और मावा है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। और अब मैं इस स्टेज में फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, मिनटों में बनने वाली ये रेसिपी है। अब इस स्टेज में हम डालेंगे इसमें इलायची पाउडर लगभग चौथाई चम्मच। ये मेरे घर का बना हुआ इलायची पाउडर होता है। अब इसे हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारा जो इलायची कार्डमम पाउडर है वो अच्छे से पूरे डो में तैयार हो जाए। ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो अब मैं फ्लेम को ऑफ करती हूँ और मोदक बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ देखिए दूध भी हल्का सा ठंडा हो गया, लेकिन ज़्यादा नहीं ठंडा होना चाहिए,
यहाँ पर हम क्या करेंगे, गुलाब की पत्तियाँ इस तरह से तोड़ लेंगे थोड़ी, और थोड़ी से मैंने यहाँ पे काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स लिए हुए हैं इस तरह से। अब एक साइड हम क्या करेंगे, जो डो है हमारा इस तरह से लगाती जाएंगे। देखिए, अगर देसी घी का आपको हाथ लगाना है तो इसमें हाथ भी लगा सकते हैं थोड़ा। दूसरी साइड भी हम इसी तरह से कर लेंगे, गुलाब की पत्तियाँ और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स के साथ। ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों साइड ही लगाएं, एक साइड ही आप इसको रख सकते हैं ड्राई फ्रूट्स को, लेकिन मुझे दोनों साइड अच्छे लगते हैं। अब इनको हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे। यहाँ से हम एक्स्ट्रा निकाल देंगे जो भी हमारा एक्स्ट्रा है, लेकिन जो अंदर का है उसको हम अच्छे से भर लेंगे उंगली दबाकर, ताकि ये कहीं से पोल नहीं, यानी कि हल वैसा ना हो, और इसकी शेप भी अच्छी आनी चाहिए। आप देख सकते हैं, अब मैं आपको निकाल कर दिखाती हूँ। और एक्स्ट्रा होता है आप उसको हटा सकते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे मोदक बने हैं, मैं आपको दोनों साइड से दिखाती हूँ। लग रहे हैं ना प्यारे से, भगवान गणेश जी भी खुश हो जाएंगे कि मेरे दिन पर उन्होंने, हम सभी ने, यानी कि पूरे देश में ये बनाया जाता है, ये भी नहीं इंडिया में ही नहीं बल्कि अदर कंट्री में भी ये त्यौहार बहुत हर्षोल्लास से मनाया जाता है। तो ये आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो ऐसे ही मोदक मैं और बनाकर रेडी कर लेती हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पर मेरे कोकोनट पुराते से मोदक बनकर रेडी हो चुके हैं, और उम्मीद करती हूँ ये मेरी डिज़र्ट आपको ये स्वीट अच्छी लग रही होगी। तो ऐसी ही रेसिपी में फिर आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और साथ ही साथ मेरी तरफ से आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएँ, और इसी तरह से आप भी अपने घर पर मोदक बनाकर भगवान जी का भोग लगाइए। तो मैं भी भोग लगाऊंगी शाम को आरती के समय, तो अभी ये मैं मंदिर में रखने जा रही हूँ, तो फिर मिलती हूँ शाम को आपको। तो तब तक के लिए बाय बाय। और देख सकते हैं कि कितने कलरफुल भी हैं, साथ ही साथ देखिए शेप भी मोदक से मोल्ड से मैंने ये बनाया, लेकिन कितने अच्छे सुंदर भी लग रहे हैं। भगवान जी भी काफ़ी खुश हो जाएंगे कि आज उनकी पसंद के मैंने ये मोदक बनाए हैं। तो चलिए फिर मिलती हूँ।